बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस ताज़ा तरीन खबरों और कुछ पेश गोइयों के साथ। नाज़रीन, नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के साथ आसिफ अली जरदारी का क्या तनाज़ा चल रहा है? इस तनाज़ा में इस्टेब्लिशमेंट किसके साथ है? वतन वापसी के बाद नवाज शरीफ को अचानक किस परेशानी ने आ घेरा है? नाज़रीन, इन चौंका देने वाली खबरों के साथ साथ आज हम मारूफ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमर फारूक की ताज़ा तरीन पेश गोइयाँ भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे और ये भी बताएंगे कि जुहल की ताज़ा तरीन पोजीशन के इमरान खान के जायचे पर क्या मस्बत असरात मुरतब हो रहे हैं और वो इतना ताकतवर कैसे हो रहा है कि जेल में बैठा हुआ इमरान खान न सिर्फ मुल्क की आला अदालतों से इंतहाई दूरस अहमियत के हामल फैसले उसके हक में आ रहे हैं, बल्कि जिससे खान की पोजीशन इन फैसलों से बेहतर हो रही है और मुखालफीन की हालत मजीद पतली हो रही है, उन्हें मजीद परेशानियां घेर रही हैं, ये क्या मामला है? इस पर भी आज तफसील के साथ बात होगी। और इसी वीडियो में नाज़रीन, आज हम एक एक्सक्लूसिव सिलसिला शुरू कर रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी में पेश गोइयाँ करने का जो फार्मूला है वो क्या है। जो लोग इस इलम में दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए तो ये वीडियो ख़ास तौर पर अहमियत की हामिल होगी कि उन्हें इसमें से सीखने का बहुत सा मौका मिलेगा। लेकिन इल्म सियारगान जो लोग सीखना तो नहीं चाहते, लेकिन इस हवाले से उनमें तजस्सुस है कि ये जो नजूमी लोग हैं ये किस तरह पेश गोइयाँ कर देते हैं मुस्तकबिल के हवाले से, वो क्या तरीक़ेकार है, वो क्या फार्मूला है, उसकी आज हम कुछ तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। ये वीडियो उनके लिए भी दिलचस्पी का बायस होगी, इसलिए हमने इस वीडियो का नाम सबक नंबर एक भी रखा है और ये हम कोशिश करेंगे कि इसी तरह की वीडियोस मज़ीद बनाएं मुख्तलिफ मौजूदात के हवाले से, जिसे हम सबक नंबर दो सबक नंबर तीन के हवाले से आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इससे न सिर्फ जो एस्ट्रोलॉजी का लेवल है, जो लोग एस्ट्रोलॉजी को देखते हैं पेश गोइयाँ करते हैं उनका लेवल बढ़ेगा, बल्कि जो नए लोग इसको समझना चाहते हैं कि ये पेश गोइयाँ कैसे की जाती हैं और क्या ये एक रूहानी इलम है या ये कोई एक टेक्निकल इलम है, यानी कि जमा तफरीक के हवाले से, और जो एक साइंटिफिक इलम है, ये भी आज आपको समझ आ जाएगी। हमारी इसी वीडियो में कुछ तफसीलात हम आज आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले जो हमारे नए आने वाले दोस्त हैं हम उनसे ये गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बरवक्त मिलती रहें। नाज़रीन, ताज़ा तरीन खबर ये आई है कि अंदर खाते आसिफ अली जरदारी, जहांगीर तरीन और परवेज खटक की और उनके साथ साथ जो बलोचिस्तान अवामी पार्टी है, इन चारों सियासी जमातों की मुस्लिम लीग नून, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और JUIF मौलाना फजलुर रहमान के साथ अंदर खाते शदीद चपकलश चल रही है। बड़ी खबर नाज़रीन आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि PDM जमातों में एक बार फिर फूट पड़ गई है। वो फूट किस इशू पर पड़ी है ये भी आज की इसी वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त नून लीग जो पोजिशन कमज़ोर है और वो सादा अक्सरियत हासिल करने के काबिल भी नहीं है, इसलिए नून लीग वाले और JUIF वाले ये समझते हैं कि इलेक्शन कम से कम एक साल डिले होने चाहिए ताकि उस वक्त तक PTI को इतना ज़्यादा मजीद रगड़ा लग चुका हो और इमरान खान को, ताकि वो जो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में एक माकूल अक्सरियत लेने के काबिल हो सकें। लेकिन दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी, जहांगीर तरीन, परवेज खटक और बलूचिस्तान अवामी पार्टी क्या सोच रही है, बल्कि ज़राए का तो ये भी कहना है कि MQM भी क्या सोच रही है, ये तमाम जो इत्तेहादी जमातें हैं PDM की वो क्या सोच रही हैं, उनका ख्याल ये है कि अगर नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब को मैनेज कर लिया इस्टेब्लिशमेंट की मदद से, तो फिर वो कौमी असम्बली में सादा अक्सरियत के करीब पहुँच जाएंगे, या सादा अक्सरियत के करीब अगर ना पहुँचे तो फिर उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा MQM और बाप पार्टी की मदद से हुकूमत बनाने का मौका मिल जाएगा, जिसकी वजह से जो अगले 5 साल की सियासत है, जो राजनीति है अगले 5 बरसों की, उसमें फिर पीपल्स पार्टी, जहांगीर तरीन की इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और परवेज खट्टक की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन जो है वो बिल्कुल
नून लीग के टुकड़ों पर पलेंगी, वो अपना कोई शेयर नहीं मांग सकेंगी क्योंकि उन्हें कोई मजबूरी नहीं होगी कि इन्हें वो अपनी हुकूमत में या मखलूत हुकूमत में शामिल करें। ये नाज़रीन इशू बना हुआ है इस वक्त, और ज़राए का ये कहना है कि इस हवाले से दोनों जो ग्रुप हैं पीडीएम के, हरीफ ग्रुप आप कह सकते हैं, या आप बिल्कुल कह लें कि जो फ्रेंडली फायरिंग जारी है दोनों के दरमियान, और वो दोनों इस हवाले से इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी रबते में हैं। और एक ग्रुप ये चाहता है कि जनवरी में इलेक्शन हो जाएं ताकि अगले 5 साल के जो सेटअप में उन्हें मखलूत हुकूमत बनाने के लिए जो नून लीग को मुतवक्का अक्सरियत न मिले और वो मोहताज हो जाए पीपल्स पार्टी की, जहांगीर तरीन की और परवेज़ खट्टक की। लेकिन दूसरी तरफ नवाज शरीफ ये चाहते हैं कि अगर उन्होंने इख्तदार के मज़े लेने हैं, हकीकी मानों में हुकूमत करनी है या कुछ करके दिखाना है, क्योंकि उनको तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी भी वक्त उनका फड्डा पड़ सकता है, अगर उनकी हुकूमत इत्तेहादी जमातों के रहम व करम पर हुई तो फिर उनका हाल भी वही होगा जो नवाज शरीफ के साथ किया गया कि अचानक जो इत्तेहादी जमातें हैं वो अपनी हिमायत वापस ले लेंगी और नवाज शरीफ फिर ना घर के रहेंगे ना घाट के। ये नाज़रीन सूरत हाल बनी हुई है। इसके साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट के बारे में ज़राए का ये कहना है कि वो भी अभी तक डबल चल रही है। जरदारी, तरीन और खटक वाले जब उनसे जाकर मिलते हैं तो उनके साथ वो उन्हीं के हामी नज़र आते हैं कि जी वाकई जल्दी इलेक्शन हो जाने चाहिए, और जब नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान के लोग उनसे मिलते हैं तो उनके साथ वो उनकी हिमायत वाली बोली बोलते हैं और कहते हैं कि जनाब अगर फौरी इलेक्शन करवाए गए तो सूरत हाल ख़राब भी हो सकती है और ये भी मुमकिन है कि जो बहुत ज़्यादा अक्सरियत ना हासिल कर सके नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान की जमात, और फिर अगले 5 साल बिल्कुल जूतियों में दाल बटती रहेगी। तो ये सूरत हाल बनी हुई है नाज़रीन। ये जो डबल क्रॉस हो रहा है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी, इसने बहुत कमज़ोर कर दिया है नून लीग को, और ख़ास तौर पर जो उनके कायद नेल्सन मंडेला, जिसका नाम रखा हुआ है परवेज़ इलाही ने, जब से वो वापस आए हैं उन्हें कुछ अजीबोगरीब सूरत हाल दरपेश है। नाज़रीन एक और ज़राए का ये भी कहना है कि इमरान खान और पीटीआई के साथ भी जो पसे पर्दा बातचीत चल रही है, बल्कि यूँ कहा जा सकता है कि कुछ मस्बत सिग्नल्स भी दिए जा रहे हैं। फौजी अदालतों में सिविलियंस के केसेस कालादम करार देने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो, या इससे पहले जो नैब तरामीम कालादम करार देने का फैसला है, वो सब शरीफ खानदान उन सबको इसी नज़र से देख रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट दो तरफ नहीं, विकेट के दोनों तरफ नहीं बल्कि तीनों तरफ खेल रही, यानी विकेट के पीछे विकेट कीपर भी इस्टेब्लिशमेंट ही है, बैट्समैन भी इस्टेब्लिशमेंट है और बॉलर भी खुद इस्टेब्लिशमेंट है। नाज़रीन मारूफ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमर फारूक ने जो अपनी ताज़ा तरीन पेशगोइयाँ की हैं उनमें उन्होंने कहा है कि जोहल, यूरेनस और चांद की जो साध नजरात हैं एक दूसरे पर, उनकी वजह से इमरान खान की पोजीशन बहुत ताकतवर होती जा रही है अगले चंद माह के दौरान, और आम इंतखाबात भी बर वक्त होते नज़र आ रहे हैं, और ये जो मखमसा है इसमें नवाज शरीफ और फजलुर रहमान को शिकस्त होगी। बड़ी खबर नाज़रीन, बड़ी पेशगोई हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजर ने सितारों की पोजीशन के हवाले से ये पेशगोई कर दी है कि नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान जिस मार पर हैं उसमें उन्हें सख्त नाकामी का सामना करना पड़ेगा और आम इंतखाबात जनवरी फरवरी में मुनक्कद होते उन्हें नज़र आ रहे हैं, और जो नैब तरामीम भी कलदम करार हो गई हैं, और जिस तरह हमने बताया कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के जो केसेस की समाप्त का मामला है वो भी ख़त्म हो गया है, इन चीज़ों की वजह से इमरान खान ताकतवर हुए हैं और अपोजिशन कमज़ोर। लेकिन जो मजीद अदालती फैसले आएंगे उनके हवाले से भी बड़े पुरुमीद हैं डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजर, और उनका कहना है कि जो मुखालफ सियासतदान हैं इमरान खान के, अगले चंद माह के दौरान मजीद ऐसे फैसले आएंगे और अदालतें मजीद ताकतवर होने का एहसास दिलाएंगी, जिससे ख़ास तौर पर जो नवाज शरीफ और आसफ अली जरदारी हैं, दोनों जो बड़ी मरकजी जमातें हैं, उनके लिए हालात मजीद तशवीशनाक हो जाएंगे। नाज़रीन एक और बात जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं वो सितारों की पोजीशन के हवाले से डॉक्टर उमर फारूक की एक ताज़ा तरीन पेशगोई है कि उन्होंने कहा है कि इमरान खान और पीटीआई को इंतखाबी अमल से बाहर करना मुमकिन नहीं रहेगा। उन्होंने पेशगोई की है कि अगले चंद माह के दौरान दुनिया के हालात इस तेज़ी से बदलेंगे, इस तेज़ी से आलमी हालात में और खित्ते की सूरत हाल में तब्दीली आएगी कि जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है
उसके लिए आम इंतखाबात को मुलतवी करना तवील अरसे के लिए और इमरान खान को और पीटीआई को रियासती ताकत के जरिए इंतखाबी अमल से बाहर करना, दोनों बड़े फैसले लेने बहुत बड़ा रिस्क होगा और वो ये रिस्क नहीं लेंगे और आम इंतखाबात मुनक्कद करवाने पड़ेंगे और इन आम इंतखाबात में फिर अवाम फैसला करेंगे कि मुल्क का अगला जो सरबराह है वो कौन होगा। इस हवाले से डॉक्टर उमर फारूक का ये भी कहना है नाजरीन कि हर मुल्क का एक सियासी जायचा भी होता है। वो जो मुख्तलिफ जो दूसरे नजूमी हैं और जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो किस्म किस्म की पेश गोइयाँ कर रहे हैं, तो इस हवाले से डॉक्टर उमर फारूक ने ये कहा है कि आप एक सिर्फ किसी सियासतदान की या किसी सियासी जमात की जो का जायचा बनाकर उसका उसकी बुनियाद पर यह फैसला नहीं कर सकते कि मुल्क का आइंदा मंजरनामा क्या होगा। उसके लिए आपको अलग से मुल्क का सियासी जायचा बनाना पड़ेगा या इंतखाबी जायचा बनाना पड़ेगा। ये थोड़ी सी हम आपको तफसील समझाएंगे तो इस नुक्ते की समझ आएगी, वरना आमतौर पर लोग इस बात को नहीं समझते। नाज़रीन, इस नुक्ते की तशरी के लिए आप यूं समझ सकते हैं कि हर मुल्क का एक मुआशी जायचा भी होता है, दिफाई जायचा भी होता है, अमन व अमान का जायचा भी होता है और इलेक्शन का जायचा भी होता है। जब आपने सियासी जमातों की ताकत, मकबूलियत और उनके मुस्तकबिल में उनकी जो मकबूलियत है अवाम में और जो इक्तदार में उनकी शराकत है उसका जब आपने जायजा लेना होगा तो आपको स्पेशली पूरे मुल्क का सियासी जायचा बनाना पड़ेगा। अगर आप आम इंतखाबात के हवाले से हुक्म लगाना चाहते हैं तो अब आपको आम इंतखाबात का जायचा बनाना पड़ेगा कि किस मौके पर होंगे और उनमें मुख्तलिफ सियासी जमातों की ताकत क्या होगी, इस्टेब्लिशमेंट की उस वक्त ताकत क्या होगी, धांधली के क्या इम्कानात होंगे और जो गैर मुल्की दबाव है वो उसका वो किस हद तक असरअंदाज होगा। इसी तरह अगर आपने मुल्क में जराइम की सूरत हाल और दहशतगर्दी की लहर के हवाले से हुक्म लगाना होगा तो आपको अमन व अमान का जायचा बनाना पड़ेगा, और अगर खित्ते की सूरत हाल और स्ट्रेटजिक दिफाई मामलात के हवाले से आपने हुक्म लगाना है तो फिर आपको दिफाई जायचा बनाना पड़ेगा। अगर आपने महंगाई की सूरत हाल देखनी होगी तो आपको फिर खुशहाली और बदहाली जो अवाम की है उसके हवाले से मुआशी जायचा बनाना पड़ेगा। हर जायचे के अपने कवानीन होंगे और अपनी अपनी उसकी नजरात चेक की जाएंगी। हर जायचे में जिन लोगों को आपने जिन ताकतों को आपने चेक करना है वो हर जायचे में मुख्तलिफ होंगी। इस बात को थोड़ा सा समझाने के लिए अब हम आपको थोड़ा आगे लेकर चलते हैं नाजरीन। मिसाल के तौर पर अगर हम दिफाई जायचा बनाना चाहते हैं या तो खास तौर पर अगर हम हमास इसराइल जंग का अगर जायचा बनाते हैं तो फिर हमें उसे किस तरह पढ़ना पड़ेगा ये अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इसमें आपको सबसे पहले नाजरीन ये देखना पड़ेगा कि खित्ते के कौन कौन से ममालक इस जंग पर असरअंदाज हो सकते हैं, कौन कौन सी आलमी कुव्वतें हैं जिनका इस जंग में कोई किरदार हो सकता है, उनकी हम एक फहरिस्त बना लेंगे और फिर एक ये जायचा बनाएंगे, फिर वक्त का हिसाब से भी, आने वाले दिनों के हिसाब से भी, इसराइल की ताकत का भी और हमास की ताकत का भी। उसमें फिर हम ये देखेंगे कि खित्ते के कौन कौन से ममालिक ऐसे हैं जो इसराइल के दोस्ती के घर में हैं और कौन कौन से मुल्क ऐसे हैं जो हमास की दोस्ती के घर में हैं। इस तरह ये भी चेक करना पड़ेगा कि कौन से ममालिक इसराइल पर दुश्मनी की नजरात डाल रहे हैं और कौन से ममालिक हमास पर दुश्मनी की नजरात डाल रहे हैं। ये भी चेक करना होगा कि कौन से ममालक जायचा कौन से ममालक न्यूट्रल हैं, ये भी देखना पड़ेगा कि वो किसी पर भी वो नजरात उनकी नहीं पड़ रही। इसी तरह जायचा आपको जो सही सूरत हाल बताएगा वो उन ममालक की जो बज़ाहिर बयानात हैं या जो उनकी इस वक्त खारजा पॉलिसी नज़र आ रही है उससे मुख्तलिफ भी हो सकती है, और वो असल सूरत हाल वही होगी जो उन लोगों की अंदरूनी पॉलिसी होगी और जो जायचा आपको बता देगा कि ये दुश्मनी की नजरात हैं इस वक्त या ये न्यूट्रल है और ये किस कौन सा मुल्क किसके साथ है। नाज़रीन, जायचा बनाने को जो भी मामला दरपेश हो उसके लिए उसे दिफाई और स्ट्रेटजिक मामलात का भी अदराक होना चाहिए। मिसाल के तौर पर इसराइल हमास जंग को ही ले लें, अगर तुर्की, ईरान, सऊदी अरब, रूस, चीन तमाम अहम ममालक हमास की दोस्ती के खाने में हैं और ताकतवर मस्बत नजरात डाल रहे हैं तो इससे फिर आप ये हुक्म लगा सकते हैं कि इसराइल के लिए हमास को शिकस्त देना और मलियामेट करना नामुमकिन होगा,
और अगर इन ममालक की पोजीशन दोस्ती के खाने में ना हो बल्कि दुश्मनी के खाने में हो तो जो एस्ट्रोलॉजर है वो ये हुक्म लगा सकता है कि ये तमाम इत्तेहादी दोस्त नुमा दुश्मन हैं जो हमास को दोस्ती के पर्दे में मरवा देंगे। ये नाज़रीन तरीक़ाकार होता है। इसकी अब हम आपको थोड़ी सी और भी मिसाल समझा दें ताकि बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह ये मामला आया हो जाए। नाज़रीन आपको याद होगा कि 1971 की पाक भारत जंग में पाकिस्तान का जो स्ट्रेटजिक पार्टनर था वो अमेरिका था और भारत का स्ट्रेटजिक पार्टनर रूस था। और फिर आपको याद होगा कि रूस अमेरिका के बारे में ये कहा जा रहा था कि जी मशरकी पाकिस्तान में मदद के लिए अमेरिका अपना 7वां बहरी बेड़ा भेज रहा है। और फिर चूंकि अमेरिका हमारे साथ मुखलिस नहीं था, बज़ाहिर वो हमारा स्ट्रेटजिक पार्टनर था, इसलिए वो जो 7वां बहरी बेड़ा है तख़ीर उसको पहुँचने में होते ही हत्ता के सकूत ढाका का वाक़या पेश आ गया 16 दिसंबर 1971 को, और वो बहरी बेड़ा ना पहुँचा बल्कि फिर कई बरसों तक जिस मदद ने या जिस काम ने आपके लिए सपोर्ट ना करनी हो मौके पर तो उसका एक इस्तियारा बन गया था जी ये तो 7वां बहरी बेड़ा है, यानी ये तो आएगा ही नहीं मदद के लिए मौके पर। तो ये सूरत हाल है कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी की रूह से उस वक्त जायचा बनाते तो सितारों की पोजिशन आपको बता देती पहले से ही कि अमरीका आपकी इस वक्त दोस्ती की नजरात नहीं डाल रहा, वो दोस्ती के पर्दे में दुश्मनी कर रहा है। नाज़रीन इसी तरह फिर सियासी जायचा भी होता है और आम इंतखाबात का जायचा भी, उसे किस तरह पढ़ते हैं अब हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इसमें हम तमाम सियासी जमातों के हवाले से अलग अलग चेक करेंगे कि पाकिस्तान में आम इंतखाबात के हवाले से अगले चंद महीनों के दौरान फौज जो है वो किस सियासी जमात को साद नजरात के साथ देख रही है, यानी वो कौन से घर में फौज बैठी हुई है और उस घर से जो मुतलका सियासी जमात जिसको हम चेक करेंगे या मुतलका सियासी शख्सियत उस पर साद नजरात पड़ रही हैं या नहस नजरात पड़ रही हैं। इसी तरह फिर हम अदलिया और इलेक्शन कमीशन को भी चेक करेंगे कि उनकी साद नजरात पड़ रही हैं किस सियासी जमात और किस सियासी शख्सियत पर और किस पर नहस नजरात पड़ रही हैं। ये जब आप देखेंगे तो उसके साथ साथ फिर हमें ये भी देखना पड़ेगा कि अमरीका की साद नजरात किस पर पड़ रही हैं और चीन और सऊदी अरब की साद नजरात जायचे में किस सियासी जमात पर पड़ रही हैं। फिर सियासी जमातों के आपस के मामलात को भी हम चेक करेंगे कि ये जो बड़ी बड़ी सियासी जमातें हैं वो एक दूसरे पर कैसी नजरात डाल रही हैं, यानी आम इंतखाबात के दौरान बज़ाहिर जो एक दूसरे से मुखलसाना इंतखाबी इत्तेहाद किए हुए हैं क्या जायचे में भी उनकी पोजीशन ऐसी है कि एक सियासी जमात जिस घर में है वो दूसरे पर साद नजरात डाल रही है या नहस नजरात डाल रही है या न्यूट्रल है, ये फिर चेक किया जाएगा। तो आखिर जब हम चेक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि बज़ाहिर फर्ज कर लें कि पीडीएम की रुकन जमातें इस वक्त एक दूसरे की इत्तेहादी हैं, लेकिन अगर जायचा ये बताएगा कि जनवरी फरवरी में जो पोजीशन होगी इनकी सितारों की जो चाल के हिसाब से उस वक्त जो पीडीएम है उसकी रुकन जमात नून लीग और पीपल्स पार्टी आपस में दुश्मनी की नजरात डाल रही हैं, तो इससे आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये जो सियासी एडजस्टमेंट ये लोग करेंगे उस पर पूरा नहीं उतरेंगे और आम इंतखाबात के दौरान एक दूसरे के साथ मुनाफ़त की जाएगी और फिर अपनी अपनी जो अक्सरियत के लिए ज़ोर लगाया जाएगा। तो ये आप पहले से प्रिडिक्शन कर सकेंगे कि ये जो इमरान खान है उसकी पोजीशन आम इंतखाबात में मजबूत होगी क्योंकि उसके मुखालफिन आपस में ताबुन नहीं कर रहे होंगे। इसी तरीके से नाज़रीन मामले को आगे बढ़ाते हैं, अभी आपको थोड़ा बहुत समझ आने लग गई होगी कि ये मामलात जो नजूमी हजरात जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं उन्हें कितनी मेहनत करना पड़ती है, ये कैलकुलेशन का इलम है नाज़रीन। और सबसे पहले सबसे ज़्यादा अहम चीज़ जो चेक की जाएगी आम इंतखाबात के जायचे में वो ये देखा जाएगा कि अवाम की जो साद नजरात हैं वो किस तरफ है, अवाम इस जायचे में किस खाने में बैठे हुए हैं और उस खाने की उन खानों के हवाले से साद नजरात हैं या नहस नजरात हैं जिनमें मुख्तलिफ सियासी जमातें बैठी हुई हैं। नाज़रीन मिसाल हम आपको देते हैं कि फिर मुख्तलिफ सियासी जमातों के हवाले से जो नजरात हैं उनका जायज़ा लिया जाएगा। अगर उनमें ताकतवर होने का तनासुब 19-20 का होगा या 45-55 का होगा, मुख्तलिफ सियासी जमातों की भी फ़लाँ सियासी जमात की ताकत उस वक्त 19 होगी फ़लाँ की 20 होगी या फ़लाँ की 45 होगी फ़लाँ की 55 होगी, तो फिर तो हम ये समझ सकते हैं कि जो फ़ौज है अदलिया है और इलेक्शन कमीशन है उनकी जो नजरात हैं वो ज़्यादा असर दिखाएंगी और आम इंतखाबात में
जो एस्टेब्लिशमेंट जिसे चाहेगी वही जीत जाएगा। लेकिन अगर जब हम ये चेक करते हुए ये देखेंगे कि सियासी जमातों की आपस में जो साध नजरात की ताकत है वो उसकी रेशो क्या है, उसका तनासुब क्या है, वो तनासुब अगर हम ये देखते हैं कि वो 19-20 की बजाय 5-20 है और 25-75 है, तो फिर आप ये देख लेंगे कि इतना बड़ा जब फर्क है अवाम की ताकत के हवाले से, तो फिर इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में 2024 के आम इंतखाबात 1971 के आम इंतखाबात की फोटोकॉपी हो सकते हैं या उसी तरह के रिजल्ट्स आ सकते हैं जिस तरह 1971 में आया कि एस्टेब्लिशमेंट जो चाहती थी वो रिजल्ट नहीं आए, बल्कि वो रिजल्ट आ गए कि अवाम जो चाहते थे। तो इस तरीके से नादिन जो मुस्तकबिल के हालात के बारे में जो हम एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो अपनी पेशगोइयां फाइनल करते हैं और हर हवाले से उसे अपना हुक्म लगाते हैं, जिसे हुक्म लगाना कहते हैं, जो उन्होंने पेशगोई करना होती है। एक और पहलू भी नाज़रीन चेक करना पड़ता है और वो ये है कि अगर हम पाकिस्तान में आम इंतखाबात के हवाले से हुक्म लगाना चाहते हैं तो हमें यह भी देखना पड़ेगा कि अमेरिका की किन किन सियासी जमातों के साथ साध नजरात होंगी जनवरी फरवरी में या दिसंबर जनवरी फरवरी में, और किन किन के सियासी जमातों या शख्सियात के साथ दुश्मनी की नज़र से देख रहा होगा उस वक्त अमेरिका। और ये भी नाज़रीन चेक करना होगा कि चीन और सऊदी अरब किन सियासी जमातों और किन सियासी शख्सियात को साध नजरात से उस वक्त देख रहे होंगे और किन सियासी जमातों और सियासी शख्सियात को दुश्मनी की नजरात से देख रहे होंगे। तो इससे भी आपको ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट पर हमारी पर इलेक्शन में जो मनपसंद इंतखाबी नतीजे लेने के हवाले से किस किस्म का दबाव होगा, यानी ये दबाव यकतरफा होगा या ये जो तमाम बड़े ममालिक हैं उनमें से कुछ एक सियासी जमात पर साद नजरात डाल रहे हैं और कुछ दूसरी सियासी जमात पर साद नजरात डाल रहे हैं, या वो तकसीम है इस हवाले से। मिसाल हम यूँ ले लेते हैं कि अमरीका नून लीग की दोस्ती के खाने में हो और साद नजरात डाल रहा हो और चीन व सऊदी अरब पीटीआई की दोस्ती के खाने में हो और वो उस पर साध नजरात डाल रहे हों, तो उस सूरत में फिर हम क्या हुक्म लगाएंगे, आप अंदाज़ा लगाएं। इसमें हम फिर ये हुक्म लगाएंगे नाज़रीन के आम इंतखाबात के दौरान इस्टेब्लिशमेंट को न्यूट्रल रोल अदा करना पड़ जाएगा, चाहे उसकी ज़ाती ख्वाहिश कुछ भी हो, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो इन तीनों बड़े ममालक में से किसी एक की भी मुखालफत और नाराज़गी अफोर्ड नहीं कर सकता। यूँ नाज़रीन फिर हम अपने पेशगोई तक पहुंच जाएंगे। इसी तरह अगर हम ये देखेंगे कि ये तीनों ममालक यानी अमेरिका भी, चीन भी और सऊदी अरब भी, वो सिर्फ नून लीग पर ही साध नजरात डाल रहे हैं, वो ऐसे खाने में बैठे हुए हैं कि वो सिर्फ नून लीग पर उनकी साध नजरात जा रही हैं, पीटीआई और इमरान खान पर साध नजरात नहीं है, या तो वो पीटीआई और इमरान खान के साथ को दुश्मनी की नज़र से देख रहे हैं या वो इमरान खान और पीटीआई के हवाले से न्यूट्रल हैं, लेकिन नून लीग के हवाले से तीनों की नजरात साध हैं। तो फिर क्या हम इस पे हुक्म लगाएंगे, फिर हम ये देखेंगे कि इस्टेब्लिशमेंट इन जो नवाज शरीफ है उसे चौथी बार वजीर आजम बनवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देगी, फिर हम ये हुक्म लगाएंगे। लेकिन उससे आगे भी आपको यानी ये बहुत मेहनत और बहुत कैलकुलेशन का इलम है नाज़रीन, फिर क्या होगा उसमें, फिर आप ये भी चेक करना पड़ेगा कि जो अवाम है उनकी सूरत हाल क्या है, अवाम की साध नजरात क्या है और नहस नजरात का तनासुब क्या है। अगर आप ये देखेंगे कि नून लीग और पीटीए की अवाम दोस्ती की जो नजरात हैं, जो ताकत है, वो नून लीग के मुकाबले में जो पीटीए की ताकत है उसमें फ़र्क 45 और 55 का नहीं है, बल्कि वो फ़र्क 40 और 60 का है या 35 और 65 का है या 30 और 70 का है, यानी बहुत ज़्यादा फ़र्क है, तो फिर आप उस पर क्या हुक्म लगाएंगे, इस पर भी आप अंदाज़ा लगाएं कि एक तरफ आलमी इस्टेब्लिशमेंट जो तीनों बड़े ममालिक हैं अमेरिका, चीन और सऊदी अरब, उन सब की साध नजरात हैं नून लीग की तरफ, लेकिन जो अवाम में तासर इतना ज़्यादा है यानी इतना फ़र्क है कि 70% पीटीए की तरफ हैं लोग और 25-30% नून लीग की तरफ हैं, लेकिन आलमी दबाव ये है, तो उस वक्त फिर जो नजूमी है, जो एस्ट्रोलॉजर है, वो देखेगा कि ये सूरत हाल बनी पड़ी होगी उस वक्त, तो फिर उस वक्त क्या फैसला करेगी हमारी इस्टेब्लिशमेंट कि वो मामला को फाइनल किस तरफ करे।
तो फिर ये जो मामलात को समझता होगा और ये हालात ये देखेगा कि अवाम बिल्कुल ही एक और सिमत में खड़े हैं और इस्टेब्लिशमेंट की बिल्कुल ही एक और सिमत में मजबूरी बनी हुई है कि इन ममालक को तो हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते या नाराज नहीं कर सकते, फिर वो क्या फैसला करेगी। यहाँ पर फिर यह दजूमी या एस्ट्रोलॉजर ये हुक्म लगाएगा कि मुल्क में आम इंतखाबात नहीं हो रहे। आम इंतखाबात फिर ऐसी सूरत में नाज़रीन जब उन्हें पता होगा कि हम अपनी मर्जी के नताइज हासिल नहीं कर सकते, जिसके हवाले से हम पर आलमी कुव्वतों का दबाव है, क्योंकि हमने पाकिस्तान के जो मुआशी मसाइल हैं वो उन्हीं ताकतों के रहम व करम पर हैं। पाकिस्तान इस वक्त मुआशी तौर पर खुद मुख्तार नहीं है, उन्हें नाराज़ करके हम अपना मामला नहीं चला सकते, मुल्क को नहीं चला सकते माली तौर पर, इसलिए फिर आम इंतखाबात मुलतवी कर दिए जाएंगे। दो ही रास्ते उस वक्त होंगे कि या तो फिर मार्शल लॉ लगा दिया जाएगा या फिर कोई कौमी हुकूमत का ड्रामा करके नवाज शरीफ को आप यूं कह लें कि सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर या सदर या वजीर आजम कौमी हुकूमत का बना दिया जाएगा, फिर कोई ऐसा ड्रामा किया जाएगा, आम इंतखाबात नहीं होंगे। फिर एस्ट्रोलॉजर ये हुक्म लगा देगा कि अवाम चूँकि बिल्कुल भारी अक्सरियत खिलाफ है उन जमातों के जिन्हें आलमी इस्टेब्लिशमेंट और मुल्की इस्टेब्लिशमेंट दोनों जिनको लाना चाहते हैं, तो ऐसी सूरत में फिर कोई मुमकिन नहीं होगा कि आम इंतखाबात करवाए जाएं। तो फिर ये जो एस्ट्रोलॉजर है ये कह देगा कि जनवरी फरवरी में आम इंतखाबात होने का कोई इम्कान नहीं है। तो नाज़रीन अगर आप उस सियासी जायचा ये बताता है कि आम इंतखाबात किस वक्त मुतवक्के हैं, तो उस सूरत में आपको ये सारे मामला देखने पड़ते हैं, उसके बाद ही आप एक नतीजे पर पहुंचते हैं और अपनी पेशगोई को फाइनल करते हैं। एक और बात नाज़रीन आपको ये देखना पड़ेगा कि जो एस्ट्रोलॉजर है जब वो जायचा बना रहा होता है तो उसे मामले के तमाम मुतलका पहलुओं का जितना ज़्यादा अदराक होगा उसकी पेशगोई दुरुस्त साबित होने के इम्कानात भी उसी कदर ज़्यादा होंगे। यानी अगर वो दिफाई हवाले से कोई पेशगोई करना चाहता है तो उसे दुनिया के जो स्ट्रेटजिक मामलात हैं उनकी जो हकीकी सूरत हाल है उसका अदराक होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि कौन कौन से जो मेन खिलाड़ी हैं वो असरअंदाज हो रहे हैं इस हवाले से। तो फिर वो उन ममालक को उस जायचे में शामिल करके देखेगा कि वो ख़ास वक़्त पर किस पोजीशन में या किस घर में बैठे होंगे, और जिसको आप पढ़ना चाहते हैं जिसके हवाले से आप फ़ास किया हम पाकिस्तान के हवाले से हुक्म लगाना चाहते हैं तो उनकी नज़रात क्या होंगी। नाज़रीन इसी तरह जो मुआशी हवाले से असरात होते हैं हमें उनका भी जायज़ा लेना पड़ेगा। इसी तरह उन्हें यह भी पता होना चाहिए कि एक पाकिस्तान के जो मुआशी हालात हैं मुआशी मामलात हैं और दिफाई मामलात हैं उनकी जो गहराई और गहराई है वो चीन के साथ किस तरह की है, वो सऊदी अरब के साथ किस तरह की है, वो अमेरिका के साथ किस तरह की है। और अवामी मकबूलियत का अंदाज़ा लगाने के लिए भी आपको इन तमाम मामलात का देखना पड़ेगा कि जो अवाम में मकबूलियत के हवाले से अदम मकबूलियत या कबूलियत यानी साद और नहस हजरात दोनों नजरात जो हैं वो दोनों किस तरीके से होंगी। नाज़रीन अगली वीडियो में हम आपके साथ ये तफसीलें डिस्कस करेंगे कि किसी सियासी जमात के बरसरे इक्तदार आने के मुल्क और अवाम के लिए साद और नहस हजरात का हुक्म कैसे लगाया जा सकता है। ये भी नाज़रीन बड़ा दिलचस्प होगा कि हम ये चेक करेंगे कि अगर एक सियासी जमात बरसरे इक्तदार आती है या पीडीएम वाले इत्तेहाद बरसरे इक्तदार आते हैं तो उस सूरत में मुल्क की क्या सूरत हाल होगी, अवाम की क्या सूरत हाल होगी और मुल्क किस तरफ जाएगा। और अगर पीटीआई बरसरे इक्तदार आती है तो फिर आपको ये हुक्म लगाने में आसानी होगी कि फिर उसकी क्या सूरत हाल होगी। इसको फिर हम रिवर्स भी चेक कर सकते हैं कि हम ये देखेंगे कि पीटीआई की जो पॉलिसियाँ वो क्या मुमकिन पॉलिसियाँ क्या होंगी और पीडीएम की मुमकिन पॉलिसियाँ क्या होंगी। इस चीज़ का जायज़ा लेने के लिए हम पहले पाकिस्तान के अवाम के हालात पढ़ेंगे कि अगले 5 साल के दौरान पाकिस्तान के अवाम के हालात किस तरफ जा रहे हैं, तो उससे फिर हम ये अंदाज़ा लगा लेंगे कि उस वक्त मुल्क पर कैसे लोगों की हुकूमत होगी कि जिसकी वजह से हमारे मुआशी और महंगाई के और बेरोज़गारी के या आलमी मामलों में हमारे हालात कैसे होंगे। फिर हम यानी ये दो तरफा हमें चेक करना पड़ेगा, ये हम आपको अगली वीडियो में तफसील के साथ समझाएँगे और इससे आपको अंदाज़ा लगाने में आसानी होगी कि ये वाकई एक कैलकुलेशन का इलम है। इसे जिसे लोग ये कहते हैं कि जनाब ये कोई रूहानी इलम है या इसको कोई ऐसी कोई मावराए अकल कोई चीज़ है, ऐसी बात नहीं है। ये एक एजुकेशनल स्टाइल में हम आपको ये सारी बातें हुक्म लगाना सिखा रहे हैं कि
कि नून लीग और पीडीएम की अगर हुकूमत आती है तो वो कैसी होगी, और अगर पीडीएम की पीटीआई की हुकूमत आई तो वो कैसी होगी। नाज़रीन, इसे पुरअसरार और रूहानी इलम आप न समझें, बल्कि ये एक कैलकुलेशन है जो दुरुस्त और साहिब बसीरत होना और कैलकुलेटर होना बंदे के लिए सबसे अहम है, कि वो एक अच्छा कैलकुलेटर भी हो और एक साहिब बसीरत शख्स भी हो। तो फिर आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी एक तीसरी आंख भी खुलने लग जाएगी। जब आप इस हवाले से सोचने लग जाएंगे, आप जब आपका अंदाज़ फिक्र ये हो जाएगा कि हर चीज़ को देखने के लिए आप पहले उसकी जो दाएं बाएं वाली चीज़ें हैं उनको चेक करने लग जाएंगे, तो फिर ये आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी आपको बड़ा काम आएगा। बड़ी दिलचस्प नाज़रीन इसका ये पहलू है। तो आपकी जब तीसरी आँख नाज़रीन खुलना शुरू हो जाएगी तो फिर एक और दिलचस्प सूरत हाल ये पैदा होगी कि आप अपने जो ज़ाती मामलात हैं और दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों के जो मामलात हैं, जब उनके साथ आप बैठा करेंगे तो आप हर जो भी मामला ज़ेरे बहस होगा आपको चूंकि एक प्रैक्टिस हो चुकी होगी तो आप उसको फौरी तौर पर जज करने के लिए उसके तमाम जो उसके मुतलका उसके ताकतवर एस्पेक्ट्स हैं वो देखेंगे कि उनका इस पर क्या असर होगा। आपको एक 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 जहन आपके इस तरह का साइंटिफिक हो जाएगा कि वो आज खुद हरकत में आ जाया करेगा। तो फिर आप उस वक्त जो बात करेंगे वो बाद में हैरान कन तौर पर ऐसे साबित हो जाया करेगी और लोग हैरान होंगे कि भाई जब वो बात हो रही थी तो आपने जो बात की थी वो बाद में सही दुरुस्त साबित हो गई। तो इस तरह ये एक मामला और भी दिलचस्प है जो आपकी निजी जिंदगियों पर असरअंदाज होगा, और जो मुस्तकबिल में जब ये ऐसी बातें बार बार होने लगेंगी तो जो लोग आपके दोस्त होंगे वो ये कहने लग जाएंगे कि जनाब आप में बड़ी कोई रूहानी ताकत है या आप कोई बहुत चीज़ों को पहले से देख लेते हैं, कोई ऐसी बात है जो आप हमसे छुपाते हैं। और जो मुनाफिक होंगे और आपके दुश्मन और मुखालिफ होंगे वो ये कहने लग जाएंगे कि भाई इसकी तो जुबान ही काली है, जो ये कहते हैं वो हो जाता है। तो नाज़रीन, इसी के साथ आप इजाज़त दीजिए, ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोस के साथ हम जल्द दोबारा हाजिर खिदमत होंगे। आप अपना, दोस्तों और रिश्तेदारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।